देखो बैठो दोनों, शुभ नाम बताइए बहन जी। नेहा शर्मा। नेहा शर्मा आप आई कहाँ से? थोड़ा सा आगे आ जाए। छात्रा से आप आई हैं। आपको क्या होता है मुझे ये बताइए। मुझे बैक पेन है। बैक पेन है, सर्वाइकल है, माइग्रेन है, ये तीन रोग आपको है। ये कब से है? सर्वाइकल माइग्रेन तो धीरे धीरे सरदर्द बचपन से पढ़ाई के टाइम से शुरू हुआ था। अच्छा, जब पढ़ते थे? हाँ, जैसे धूप से हो रहा है, गर्मी में हो रहा है। हाँ, फिर वो धीरे धीरे करते करते पता चला डॉक्टरों ने कंटिन्यू हो गया, फिर वो माइग्रेन हो गया। अब तो वो बहुत ही बढ़ चुका है। अब वो कितना बढ़ चुका है? हो ही जाता है लगभग हफ्ते में दो बार। क्या डॉक्टरों ने इसका कोई ऑपरेशन बताया है या इसके बाद डॉक्टर एक रोग बताते हैं जैसे डिप्रेशन? वो भी आपको नहीं बताया? मेन वैसे कमर दर्द का सबसे ज्यादा है। हाँ, जिस वजह से मैं आई हूँ। मेन कमर दर्द का, लेकिन आप तीनों रोग बता रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ बहन जी, आपका शुभ नाम क्या बताएं? नेहा शर्मा। नेहा शर्मा जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ प्यारी बहना, कि आपको अगर कमर का दर्द मेरा होगा तो आपको माइग्रेन और सर्वाइकल भी मेरा ही होगा, आए ना समझ में, और डिप्रेशन भी मेरा ही होगा। लेकिन अगर आपको कमर का दर्द मेरा नहीं होगा तो फिर इनमें से कोई भी रोग मेरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ प्रेतादि को और पितरादि को के कारण अगर आपको कोई रोग होता है, ये बहुत ही सूक्ष्म तत्व है, देखने में सुनने में जानने में नहीं आते। सुनने में तो आते हैं कि मैंने आपको ये बताया, लेकिन जानने में नहीं आते, पहचानने में नहीं आते और देखने में नहीं आते। आया? और खुद से सुनने में भी नहीं आते, चुपचाप अंदर घुस के बैठ जाते हैं, तब वो एक टाइम में फैल के बड़ा हो जाता है, तब आपके दर्द हमेशा बढ़ते जाते हैं, छोटे नहीं रहते हैं। फिर एक टाइम में आके वो पूरे शरीर में हो जाते हैं, डॉक्टर आपके ऑपरेशन करते रहते हैं, आपको उसका कोई लाभ नहीं होता। आप सवेरे से हैं या कब से? मैं अभी शाम को ही आई। तो आपने 2-4-10 केस भी देखे होंगे? नहीं, मैं जब आई हूँ तो आपका इंटरव्यू चल रहा था। अच्छा, ये जो भैया, हाँ जी, हाँ जी, बस हाँ, तभी आई थी मैं। तो आपने कितने सालों से आप इलाज करा रहे हैं? इलाज कराते हो तो मेरे को 3 साल हुए। 3 साल हुए। 3 साल में लगभग कितना पैसा आपने लगाया होगा? दवाइयों में जा रहे हैं ज्यादा, क्योंकि कोई सर्जरी है उसकी तो बात नहीं आई अभी। मेरा पोस्चर इशू बताया डॉक्टर्स ने सबसे। पोस्चर क्या होता है? पोस्चर ही होता है आपका उठने बैठने में जो तरीका ठीक नहीं होता। जैसे मैं ऑफिस गोइंग हूँ, ऑफिस में हम बैठे हुए हैं 6-6, 7-7 घंटे काम कर रहे हैं, ध्यान नहीं दिया, किसी भी गड़बड़ घर में भी लेट गए अलग तरीके से। अच्छा, उन्होंने उस तरीके की दिक्कत बताई। आपका कौन से हॉस्पिटल में कौन से डॉक्टर से इलाज चला? मेरे तो घर के पास है, हड्डी रोग विशेषज्ञ जैसे होते हैं ना। हाँ, तो मेडिशियन। हाँ, और तो मेडिशियन है, क्योंकि ये दिक्कत उन्हीं की बताई। नाम भी तो होगा ना उनको कोई? डॉक्टर मनोज कथूरिया। डॉक्टर मनोज कथूरिया, वो हड्डी रोग विशेषज्ञ है, MD है या MBBS? सर्जन है। तो वो MBBS ही तो होता है ना, सर्जन भी कोई ऐसी बात तो होती है, वो हड्डी MS। बोलिए शनिदेव महाराज की। बताइए दर्द का। अभी दर्द सही बताऊं तो नहीं है, क्योंकि मैं दवाई रोज खाती हूँ। जब आप यहाँ खड़े हुए थे तब आपको दर्द थे? नहीं, मेरे को यहाँ बीच में भारीपन है, सेंटर दर्द नहीं थे तब आपको? दर्द तब नहीं था। नहीं, आपको ये बताना चाहिए था ना आपको दर्द नहीं है। मैं तो दर्द में ही खड़ा करता हूँ आदमी को, ताकि उसको पता चले। अच्छा, नहीं अभी ऐसा इतना कोई अभी कोई दर्द नहीं है, लेकिन हाँ पूरी पीठ में भारीपन तो मेरे को हर वक्त
स्पेशली सेंटर में। सर में कुछ है इस टाइम? हम कब देखते हैं रोग को? जब वो हमारा आदमी सामने खड़ा हुआ है और जब वो उसको होता है, जब नहीं होता है तब नहीं देखते। तो इसका मतलब बिना दवाई खाए उस दर्द को आपको आना पड़ेगा। बोलिए शनिदेव महाराज की जय।